दोस्तों अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया का नंबर वन देश भी है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर अमेरिका ही दुनिया का नंबर वन कंट्री क्यों है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? चलिए आज हम जानते हैं इसके पीछे का कारण क्यों और कैसे है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ ओझा। दोस्तों अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे। आपने कभी न कभी सुना या देखा होगा कि अगर किसी गांव में एक व्यक्ति के घर बहुत ज्यादा पैसा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि हम उसे उस गांव का सबसे अमीर इंसान कहेंगे, राइट? ठीक वैसा ही इस दुनिया में होता है। अमेरिका के पास बहुत ज्यादा पैसा है जिससे वह दुनिया का नंबर वन कंट्री है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका के पास इतना पैसा कैसे? तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक अपनी रिसर्च को समझाता हूँ। 2018 में टोटल 2,208 अरबपति हैं, और अगर इनके टोटल मनी को ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल होते हैं 9.1 लाख करोड़ डॉलर, और अगर इन्हें इंडियन करेंसी में देखें तो 591 लाख करोड़ रुपए होते हैं। यानी कि दुनिया के सभी अरबपतियों के पैसे जोड़े जाएं तो ये 591 लाख करोड़ रुपए होते हैं। अब 2,208 अरबपतियों में से 585 अरबपति केवल अमेरिका के हैं और 373 अरबपति चाइना के हैं। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर इंसानों में से 7 इंसान अमेरिका के हैं। ये रही वो लिस्ट जिनमें अमेजॉन नंबर 1 पर है और 2nd पर बिल गेट्स और बाकी के अरबपति। और यही नहीं, एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम दुनिया के 500 सबसे बड़े अरबपतियों को देखें तो उनमें से आपको 400 अरबपति केवल अमेरिका के ही मिल जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? क्या अमेरिका में ही दुनिया के सारे अरबपति पैदा होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा रीजन है, और वो रीजन है फ्रीडम, सभी चीजों की फ्रीडम। अभी आप हमारे इंडिया को देखो, इंडिया में सबसे अमीर इंसान कौन है? मुकेश अंबानी, जो दुनिया में 19वें नंबर पर आते हैं। इनकी कुल संपत्ति 40.1 अरब डॉलर है। और वहीं अमेरिका की कंपनी अमेज़न, जिनकी कुल संपत्ति 112 अरब डॉलर, यानी कि 3 गुना ज्यादा पैसा है अमेज़न के पास। अब इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हो कि अमेरिका दुनिया का नंबर वन देश क्यों है। अब हम बात करते हैं फ्रीडम के बारे में। अमेरिका में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। वहाँ ना आपको जाति पात देखना है, ना लड़का लड़की, वहाँ आपके हुनर को देखते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, टैलेंट गई तेल लेने। हमें तो सिर्फ जाति पाती पे लड़ना है और लड़का लड़की में भेदभाव करना है। हमारे देश में अभी केवल 50% लड़कियों को फ्रीडम मिली है, और आप ये देख ही सकते हो कि अगर हमारी 50% लड़कियां देश को इतना आगे ले जा सकती हैं तो बाकी के जो 50% फ्रीडम नहीं है वो कहां तक ले जा सकती हैं? जरा कल्पना करके सोचो यार। दोस्तों यहां पर मैं आपको सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं बता रहा हूं, हमारे देश के लड़कों के भी बारे में बता रहा हूं जिनको फ्रीडम नहीं मिली है कि वो अपने हुनर को यानी कि अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा सके। तो यार अब ये सब बातें सुनकर ये मत सोचने लगना कि हमारा देश पीछे है। नहीं दोस्तों, हमारा देश आगे बढ़ना शुरू हो गया है। अभी एक रिसर्च में पाया गया है कि इस दुनिया में 259 नए अरबपति बने हैं, और उनमें से 19 अरबपति इंडिया के हैं। हम भी बढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा समय लगेगा, हम भी दुनिया के नंबर वन कंट्री बनेंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या हमारा देश इंडिया दुनिया का नंबर वन कंट्री बनेगा? आप अपने सुझाव को मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो मैंने एक वीडियो के कमेंट से उठाया था, एक क्वेश्चन को जो मुझसे पूछा गया था कि अमेरिका दुनिया का नंबर वन कंट्री क्यों है। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को पता चले कि अमेरिका दुनिया का नंबर वन कंट्री कैसे और क्यों है। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो।
और अगर आपके मन में ऐसे कोई भी क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि मैं आपको उसके वीडियो बना के दूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे वो क्वेश्चन। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी प्रोसेस के जरिए आपको हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर छोटी मोटी जानकारियाँ आपको शेयर करता रहता हूँ। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मैं मिलता हूँ जल्द आपको कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर।